प्रस्तुत है मेट्रो मिरर न्यूज डाइजेस्ट 19 जून 2023। योग के साथ सात्विक भोजन का समन्वय स्वास्थ्य जीवन का आधार। राज्यपाल श्री पटेल, योग दुनिया को स्वस्थ जीवन शैली का भारत का उपहार। राज्यपाल ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पौधारोपण। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के निशाने पर अपनी ही पार्टी के सांसद, खुले मंच से कह दिया राक्षस। मध्य प्रदेश में अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस बार अपनी ही पार्टी के सांसद को राक्षस कह दिया है। प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल 1 जुलाई से खुलेंगे। 6वीं से 12वीं की कक्षा 20 जून से सुबह की लगेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्म अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन में खजराना गणेश सहित 3 मंदिरों को मिला न्योता। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन में एक्सपो 2023 का आयोजन 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी में किया जा रहा है। इसमें देश के सभी प्रमुख मंदिरों को बुलाया गया है। पूरे देश में प्रमुख मंदिरों के साथ ही साथ विदेशों में मौजूद बड़े मंदिर के पुजारी भी भाग लेंगे। अनुदान राशि की हेरफेर के आरोप में कृषि उपसंचालक, अकाउंटेंट और लिपिक निबंध प्रमुख सचिव ने की कार्रवाई। शासन द्वारा प्रदेश समिति को अलग अलग अनुदान पर बीज देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कृषि उपसंचालक द्वारा ऐसा नहीं किया गया। 200 लोगों की जान लेने वाले गणपति घाट के बाईपास का निर्माण शुरू। साल भर में होगा निर्माण। कलेक्टर कमिश्नर की आरएसएस ध्वज को प्रणाम करने की फोटो पर विवाद। दिग्गी सीएस से बोले, आपस कोई संबंध नहीं। महाकाल लोक में बने अतिथि गृह को श्रद्धालुओं का इंतजार। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते नहीं आ रहा काम। चौड़ीकरण के नाम पर निगम अफसरों की लापरवाही। 3 मंजिला भवन को जल्दबाजी में तोड़ा, रहने लायक भी नहीं बचा। ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहिए मेट्रो मिरर न्यूज़ डाइजेस्ट।